and welcome to yet another vlog of the Happy Sounds. तो इस बार हम लोग एक ब्रेकफास्ट का आइटम लेके हाजिर हुए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज मेड आउट ऑफ आवर बिलवड मैगी। मैगी को ही हम लोग इस बार थोड़ा डिफरेंट वैरायटी में बनाया है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी डे टू डे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं टी हैप्पी सोल्स के नाम पे। इस बार मैगी में मैंने छोटा सा ट्विस्ट दिया है, चलते किचन में और देखते हैं ये ट्विस्ट कैसा है। सो आज हम बना रहे सुपर यम्मी अंडा मैगी भुर्जी। सो हमें चाहिए एक मैगी का टिक्की और उसके साथ उसका टेस्ट मेकर। सो अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और उसमें हमारा पैन रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम लोग 2 कप पानी डालेंगे और उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। अब हम इसमें मैगी का टेस्ट मेकर डाल देंगे, अच्छे से घोल लेंगे ताकि बाद में कोई भी प्रकार का लम्स ना बने। अब हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है, मैंने मैगी के टिक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब हम इस पानी में डाल देंगे और इसको 80% तक बॉयल होने देंगे। ध्यान रखिएगा ये ओवर बॉयल ना हो जाए, नहीं तो बाद में भुर्जी बनाते वक्त ये बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाएगा। हमारा मैगी अब लगभग हो चुका है, अब हम इसको एक अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस हाफ डन मैगी में 3 अंडे फोड़ के डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेते हैं, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसको गर्म होने तक वेट करेंगे। मैंने तेल को अच्छे से फैला लिया है और गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें एक चॉप टमाटो डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगा, साथ में एक मिर्ची भी चॉप करके डालूँगा ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए और इसमें हल्का सा स्पाइस लेवल भी आए। मेरे पास 2 चिकन सॉसेजेस थे जो मैंने बारीक काट के इसमें डाल के अच्छे से सॉटे कर लिया है। ये एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें सॉल्ट डाल लेंगे और अच्छे से एक स्टर कर देंगे। अब मैं इसमें क्रश ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ, इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू पोर द अंडा मैगी मिक्सचर। अब हम इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम में अच्छे से स्टर करते हुए कुक कर लेंगे। ध्यान रखिए कि अंडा फुल डन हो जाए। अब हम इसमें चॉप कोरिएंडर मिलाएंगे। थोड़ा सा लेमन जूस मिलाएंगे एक टैंगी फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा स्टर कर लीजिए एंड योर अंडा मैगी भुर्जी इज रेडी। आप चाहो तो इसको ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन मैंने इसको 2 टोस्ट के साथ सर्व किया है, तो इसके लिए मैंने एक होल व्हीट ब्रेड ले लिया है जिसका 2 स्लाइसेस करके मैंने उसको सेक लिया। अगर आप चाहो तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हो, इट्स टोटली एन ऑप्शनल। मेरे पास कुछ चेरी टमाटोज थे जिसको मैंने हाफ काट के एक पैन में हल्का सा तेल गरम करके सौते कर लिया है। ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। मैं एक अच्छा सा गार्निश करने के लिए इन सौते टोमेटोज का यूज किया है। माई सौते टोमेटोज आर रेडी, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। So that's it, my anda magi bhurji is ready and ready to have. Isn't it looking pretty and beautiful, like a restaurant dish? Please comment below and tell me how was it. I will be eagerly waiting for your replies. Hope you will like the video. If you have liked it, then please press the thumbs up button. Hope आपको video अच्छा लगा है, तो please share it, like it, comment on the video.
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम।